हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी पालक के कोफ्ते। जी हाँ गाइज, ये पालक के कोफ्ते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये आधा किलो पालक। सो गाइज, मैंने आधा किलो पालक को धो करके अच्छे से वॉश करके रख दिया है और मैंने देखिए आधा पालक को मैंने कट कर लिया है। सो गाइज, पालक की एक ही तरह से पालक पनीर की सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो आज हम पालक पनीर की दूसरी तरह से सब्जी बनाएंगे। मैंने देखिए 2 कप पानी को गर्म कर लिया है। अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें जो बचा हुआ पालक था वो हम डाल देंगे और 30 सेकेंड तक ढक के रख देंगे हम इसको। ये देखिए 30 सेकेंड हो गए हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पालक का कलर एकदम बढ़िया रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए बस रखेंगे। अलट पलट कर देंगे और गैस बंद कर देंगे अब हम, और इसको 30 सेकेंड तक फिर से हम ढक के रख देंगे। तो टोटल 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही बस ये हमारा पालक देखिए तैयार हो गया है। इसको हम तुरंत ही इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, तो वही कलर रहेगा हमारा पालक का। पालक का कलर चेंज नहीं होता है। तो गाइज, ये देखिए हमारा अब पालक एकदम रेडी है पीसने के लिए। सो गाइज, इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। मैं ये आपको आधा किलो पालक से बनाना बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो पालक की तो आप और भी ले सकते हैं। सो गाइज, इसमें हम 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से पीस लेंगे। इधर मैंने 2 से 3 उबले हुए आलू लिए हैं। ये देखिए, इसको आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने 200 ग्राम पनीर। ये पनीर मैंने घर में ही निकाला है और इसको देखिए हम ग्रेट कर देंगे। तो गाइज, इसमें अब पनीर भी डल गया है, आलू भी डल गया है और हमारा पालक तो रेडी है ही है। ये देखिए पनीर हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए जो हमने पालक को कट करके रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल देंगे बेसन। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया है ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए ये, नहीं तो तेल में जाके बिखर जाएगा। कॉर्नफ्लोर डाल दिया है 1 टेबल स्पून और ये थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है 1 टीस्पून और ये मैंने डाला है हल्दी। अब हम डाल देंगे इसमें साबुत धनिया जिसको मैंने हल्का क्रश कर लिया है। हींग डाल दिया है इसमें, भुना हुआ जीरा डाल दिया है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर भुना जीरा नहीं हो तो कोई बात नहीं है। सो गाइज, ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मैंने देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, अच्छे से देखिए ये मैश हो रहा है। सो गाइज, अगर आपको जरा सा भी ये गीला लगता है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। अगर ये सूखा लगे तो 1 चम्मच पानी डाल दीजिएगा। सो गाइज, देखिए मैं इस तरह से हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से मैं इस तरह से नींबू जैसे गोल गोल पेड़े बना लूंगी। और ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा, कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं, इस तरह से हम इसके ऊपर लपेट देंगे। देखिए बहुत हल्के हाथ से हम इसमें डालेंगे और इस तरह से आटे को पूरा झाड़ देंगे। ये देखिए, नहीं तो इस पर ज्यादा लगा रह जाएगा। सो गाइस, तेल हमारा इधर गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, ज्यादा हाई भी नहीं रखें और ज्यादा लो भी नहीं। अगर आप लो पर रखेंगे तो ये सारा तेल पी जाएंगे। सो गाइस, डालते के साथ ही एकदम से बिल्कुल भी नहीं करछुल से चलाएं, करीबन 3 से 5 मिनट के बाद ही चलाएं। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने लगे हैं, हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, ऊपर नीचे हल्का हल्का करें हल्के हाथ से। सो गाइस, ये देखिए इस तरह से ये हमारे सेक करके तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा टेस्टी होंगे ये। ये हमारे पालक और पनीर के जो बॉल हैं वो बिल्कुल एकदम तैयार हैं। सो गाइस, इनको अब हम आराम से निकालेंगे। कढ़ाई का काम है, कोई भी कढ़ाई का काम हो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। ये देखिए तेल को निचोड़ते हुए हम निकालेंगे और ये देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया हमारे लग रहे हैं ये पालक पनीर के बॉल। सो गाइस, देखिए मैं हल्का सा इसको दबा के दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए अंदर से सिके हुए हैं और ऊपर से बढ़िया सा कलर आ रहा है। पालक पनीर का और डो जो रखा हुआ था उससे मैंने और सारे बॉल बना के सेक लिए हैं। सो गाइज, ये देखिए अब हम इसमें बहुत ही सिंपल से मसाले लेंगे। ये लौंग, काली मिर्च, जीरा और तेजपत्ता और ये दालचीनी है, बस जो आपके पास हो वो डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। सो गाइज, 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया था, ये देखिए मैंने उसमें डाल दिया है। सो गाइज, अब हम इसमें 1 प्याज कट करके डाल देंगे। एक बड़ा प्याज है ये, उसको कट करके डाला हुआ है। छोटे प्याज हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। सो गाइज, ये देखिए मैंने अब अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया था और ये 1 टेबल स्पून है भर करके अच्छे से। और ये देखिए टमाटर हमने डाल दिए हैं, 2 से 3 टमाटर हैं, 2 बड़े हों या 3 छोटे हों। सो गाइज, मैंने टमाटर इस तरह से डाले हैं, आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं टमाटर को पीस के। और ये देखिए मैंने अब मसाले डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और ये थोड़ी सी मिर्ची है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और डालेंगे धनिया पाउडर। सो गाइज, को देखिए हम अब भून लेंगे अच्छे से, मसाले जलने नहीं चाहिए। और अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे कलर के लिए। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा और अब हम डाल देंगे इसमें पालक जो हमने पीस के रखा हुआ था। ये देखिए मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही हम पालक को डालेंगे।
ये देखिए इस तरह से चलाते रहें लगातार और देख और ये देखिए पालक में देखते देखते ही एकदम से उबाल आ गया है और ये हमारा पालक और मसालों के साथ अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट तक के लिए बस। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हम देखेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर हो रहा है इसमें पालक और मसालों का, ऊपर आ रहा है मसाले। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी इसमें ज़रूर डालें ग्रेवी के लिए, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो काफ़ी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं वो बहुत ज़्यादा, फिर बाद में सूखे हो जाते हैं। अब हम इसको 5 मिनट तक ढक के रख देंगे। पानी में अच्छा सा देखिए उबाल आ गया है और कितना बढ़िया सा ऑयल देखिए ये ऊपर हो गया है। और अब हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। जी हाँ गाइस, कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा इसमें, ये नहीं सोचें कि पालक है तो हम कसूरी मेथी नहीं डालें, कसूरी मेथी का एक अपना ही टेस्ट होता है। सो गाइस ग्रेवी हमारी तैयार है, तो अब हम कोफ्तों को सर्व कर लेते हैं। आप सर्व करने का तरीका देखिए, इस तरह से हम बोल में ये सारे हम अपने ये बॉल निकाल लेंगे और इसके ऊपर से हम ग्रेवी डालेंगे, क्योंकि आप गरम गरम कढ़ाई में ये डाल देंगे तो ये एकदम से एब्जॉर्ब करेगा और एकदम से ये हमारे कोफ्ते जो गोल गोल हैं वो सारे बिखर जाएंगे और बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, टूट जाएंगे उसमें। इस तरह से आप डालेंगे गर्मा गर्म इसके ऊपर और तुरंत ही आप 10 मिनट पहले ही, जब भी आप खाने बैठें 10 मिनट पहले ही आप इसको हल्की सी ग्रेवी गर्म करें और इसके ऊपर डाल दें, एकदम से ये जो ये कोफ्ते हैं वो ग्रेवी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। सो गाइज ये देखिए हमने सर्व करने का तरीका आपको बता ही दिया है। ये देखिए ग्रेवी मेरी थोड़ी सी और बची थी तो मैंने सारे जो कोफ्ते थे वो मैंने इसी में ही डाल दिए हैं। करीबन ये 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये एकदम सूखे हो जाएंगे ये, बल्कि आप 1 गिलास पानी के बजाय आप 1.5 गिलास पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एकदम सूखे हो जाएंगे थोड़ी सी देर में ही। ये देखिए मैंने बोल में भी निकाल लिए अच्छे से, देखिए ये 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट में ही कितने अच्छे हो गए हैं। अब देखिए ये हो गए हमारे 15 मिनट और 15 मिनट बाद देखिए एकदम ग्रेवी सूखी हो गई है। ये देखिए चम्मच कितने आसानी से कट कर रही है, बहुत ही आसानी से ये हमारे कोफ्ते एकदम कट हो रहे हैं। और इसको आप रोटी कुलचा पराठा किसी से भी खाएँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गाइज ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। पालक और पनीर को एक ही तरह से खाते खाते अगर बोर हो गए हो तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए मैं रोटी से तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से ये टूट गया है और ये देखिए चम्मच से भी मैंने कट करके दिखाया। सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बना है और ये ज़रूर बनाइएगा, बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएगा। सो गाइज ऐसी ही चटपटी मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी मैं लाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज मेरी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखें, वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और सारी वीडियो को ज़रूर देखें, इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।